मैं तो बक्कल उतार दूंगा, मैं तो बक्कल उतार दूंगा। बक्कल उतारने वाले जो बार बार दूसरे को धमकियां देते थे, जो मैं बक्कल उतार दूंगा, एक दो दिन पहले उनका खुद का बक्कल उतर गया। अब उनके पार्टी का दो फार हो गया है, उनको खुद उनकी कुर्सी से हटा दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किसान नेता राकेश टिकैत की। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच वहां मौजूद लोगों के बीच बहस शुरू हो गई और एक शख्स ने किसान नेताओं पर स्याही फेंकना शुरू किया, जिसमें राकेश टिकैत का चेहरा, पगड़ी और कपड़े भी स्याही में काले हो गए। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं पंकज मिश्रा अपने चैनल टॉक विद पंकज मिश्रा के चैनल के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन खड़ा किया गया था, जिसमें देश के बहुत सारे जो देश विरोधी, खालिस्तानी और यूं कहें कि मोदी विरोधी सब एकजुट हो गए थे। किसान नेताओं का मुख्यतः काम होता है किसान के हित की आवाज़ को उठाना, पर ये राकेश टिकैत कुछ दिनों से किसान का तो कोई बात उठाते नहीं थे, केवल अपनी राजनीति को साधने में लगे हुए थे। दोस्तों, आप जहां भी देखें तो इनके कार्यवाही से पहले ही इनके जो साथी लोग थे वे नाराज थे और एक अलग गुट बना लिया था, जो भानु प्रताप के नाम से एक अलग भानु गुट बना लिया था। इधर कुछ दिनों से राकेश टिकैत बार बार राजनीतिक एजेंडा के थ्रू अपना कार्य करते थे। जहां जहां भी चुनाव हो रहा था वो एक पार्टी का एजेंडा लेके चल रहे थे, तो इस कारण उनका खुद का बक्कल उतर गया। धन्यवाद।